चल मैं बोलती हूँ, तब हंसना नहीं है किसी ने, है ना? आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। देखो हंस रहा है। तुम्हारे ख्वाब के लिए हो, तुम्हारे ख्वाब के लिए हो, या तुमसे मिलने के लिए हो, या तुमसे मिलने के लिए हो, तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है, तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है, तुम्हारी हंसी बड़ी प्यारी है, तुम्हारी हंसी बड़ी प्यारी है। आईने ने तो कहा ही होगा, आईने ने तो कहा ही होगा, बहुत करीब हो मेरे दिल के, तुम बहुत करीब हो मेरे दिल के, कहीं ना कहीं तुम्हें पता ही है, कहीं ना कहीं तुम्हें पता ही होगा। चाहत का कोई ठिकाना नहीं होता, चाहत का कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए अब कब, इसलिए अब कब, कैसे, कैसे, क्यों, क्यों, ये मत पूछो, ये मत पूछो, तुम अच्छे लगते हो, तुम अच्छे लगते हो, बस अच्छे लगते हो, बस अच्छे लगते हो, तुम्हारा होना अच्छा लगता है, तुम्हारा होना अच्छा लगता है, तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है, तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है। आजकल घूमने के साथ साथ, आजकल घूमने के साथ साथ तुम्हें खोना अच्छा लगता है, तुम्हें खोना अच्छा लगता है। मन मेरा दिल ले गया, तेरी अखियों दा इशारा मेरी जान ले गया, जानी तेरे विच मन मेरा दिल ले गया, तेरी अखियों दा इशारा मेरी जान ले गया, तू रब दी है दुआ, तू दिल दी है दवा, आज तेरे ही लिए जाने सार, साथ फेरे तेरे साथ। मेरी और मेरी बहन का जितना रिलेशन रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा मैं और वही साथ में रहे हैं, तो बचपन से स्कूल से लेके, मतलब मेरे को अगर बड़े होने तक पाला है किसी ने लिटरली, ठीक है, वो मेरी बहन ने किया है। स्कूल साथ में जाती थी, ठीक है, मतलब छोटी सी छोटी चीज उसने मेरे लिए की है, और आज जब मैं उसको लिटरली देख रहा हूँ, ठीक है, कि वो बहन जो मेरे को हाथ पकड़ के स्कूल ले जाती थी, आज उसकी शादी हो रही है, तो इमोशनल बहुत लग रहा है, ठीक है, बट मैं सैम तेरे को इतना बोलूंगा, आई लव यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, तेरी अगली लाइफ बहुत अच्छी हो, एंड आई होप कि तेरी चॉइस बहुत अच्छी निकले। सब काफी खुश हैं कि शी इज गॉट अ गुड हस्बैंड एंड अ परफेक्ट मैन हु लव्स हर वेरी मच। वी जस्ट होप कि शी हैज अ गुड लाइफ एंड स्टेज एज हैप्पी एज शी वॉज विद अस। शी विल बी मिस्ड बिकॉज शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। केतन और मैं मिले थे एक ही ब्रांच में, मैं पटियाला नई नई शिफ्ट हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको उस ब्रांच में देखा था, नए शहर में, एक वही थे जिन्होंने मेरा सब कुछ, नए शहर में सेटल कराना, ब्रांच में सेटल कराना, रोज़ सुबह लेके आते थे, छोड़ के जाते थे एक जेंटलमैन की तरह, और फिर हम धीरे धीरे दोस्त बने, और उसके बाद उन्होंने मुझे शादी के लिए पूछा, तो मैंने भी हाँ कर दी कि अच्छा दोस्त है, अच्छी निभेगी, जब कोई और नहीं तो ये है, लेकिन अब मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की, छोटों की, स्पेशली वुमेंस की, और मेरी स्पेशली बहुत केयर करते हैं, जो मैं चाहती हूँ उसको ऊपर रखते हैं, वो मुझसे छोटे हैं
लेकिन उनमें मेच्योरिटी मुझसे ज़्यादा है, जो मुझे उनके बारे में बहुत पसंद है। बस इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैम। दीदी की बॉन्डिंग अब आके बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है, पहले उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और बचपन से बहनें को पाला है, हाथों में पाला है उसने, और बोला नहीं है कभी, बट आई रियली मिस अर्जित। और आज के दिन बहुत ही मिस किया, पूरा दिन शादी पूरी मिस होगी। पूरे पेपर में यही ख्याल आ रहा था कि लिखूं भी की शादी का सोची, एंड आई विल रियली मिस हर नाउ। दिखता नहीं है बट प्यार बहुत है। जीजू दीदी क्यों माने, आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, दीदी को हमेशा साथ ही रखना है। और अभी आपका नेचर मतलब हम इतना जानते ही नहीं जीजू, लेकिन जब हमने अभी आपको देखा तो आप पोलाइट हो, ठीक है थोड़े मस्ती खो रहे हो, पर हमारी दीदी पे ज़्यादा जुल्म नहीं करना क्योंकि हमने बहुत लाडो से रखा है। लाडला बच्चा है हमारे परिवार का, प्यार देना है उनको बहुत सारा।